आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही यमी डेजर्ट की रेसिपी के साथ। तो आइए चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक ले लिया कढ़ाई, उसमें एक कप दूध डाला है और उसे करीब 4 से 5 मिनट तक हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और फिर उसमें मिल्क पाउडर डालेंगे आधे कप, उसे भी आप 4-5 मिनट चलाओ। फिर अ पिंच ऑफ सैफ्रन और पिस्ताचियोस कट करके उसमें डालेंगे और उसको स्टर करते रहो जब तक कि और गाढ़ा ना हो जाए, मलाई जैसा ना बन जाए। और फिर लास्ट में मैंने 1 टेबल स्पून जितना शुगर डाला है और ये देखिए हमारी मलाई बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे लिया है मैंने खोआ जिसमें ऑलरेडी मैंने शुगर मिला लिया था पहले ही, और फिर इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करके और साइड में रख देंगे। और यहाँ लेंगे ब्रेड और इसे रोलिंग पिन से बहुत ही थिन बना देंगे एक सीट की तरह। और फिर यहाँ पे मैं जो खोए को ली थी उसको ये शेप दी हूँ और इसे बीच में रख के और रोल करेंगे। और फिर यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हम रोल करेंगे और साइड में इसे पानी से लगा के और इसे चिपका देंगे ताकि ये जो रोल है हमारा खुले ना। ये देखिए हमारा रोल बन के बिल्कुल तैयार है। और फिर इसी तरीके से और भी रोल्स बना लेंगे हम, और इसी तरीके से बाकी रोल्स को भी मैं एक प्लेट में रख रही हूँ और ऐसे सर्व किया मैंने। और लास्ट में मैं जो मलाई बनाया है हमने उसको मैं इसके ऊपर से गार्निश कर रही हूँ और ये देखिए कितना यम लग रहा है। और उसके ऊपर से मैंने कुछ पिस्ताचियोस के पाउडर डाल दिए हैं और इंजॉय कीजिए।